आज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल और ब्रांच स्टेट, सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, लेडर इल्स इफ स्टेटमेंट, स्विच केस और फिर सभी का प्रैक्टिकल देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। समटाइम वी नीड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। इट कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट। कभी कभी हम लोग को कुछ सर्टेन कंडीशन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, उस केस में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझा रहे हैं। मान लीजिए एक लॉगिन फॉर्म है, उस लॉगिन फॉर्म में आप अगर सही यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे तो ही आपको होम पेज में जाने देगा। तो यहाँ पे कंपेयर करेगा, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन के समय जो यूजर नेम पासवर्ड दिए हैं और जो अभी यूजर नेम पासवर्ड इंटर कर रहे हैं, दोनों अगर सही है, सेम डाले हैं, तो ही होम पेज में जाइएगा। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, कंपेयर करेगा रजिस्ट्रेशन का यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन का यूजर नेम पासवर्ड को। तो इस तरह का ऑपरेशन हम लोग रिलेशनल और कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, हम लोग पीछे लेक्चर में कंडीशनल और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में देखे, यहाँ पे हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। जैसे ग्रेटर देन, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 2 है, तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के टर्म में a ग्रेटर देन b लिखेंगे। लेस देन, a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 4 है, तो इसको a लेस देन b लिखेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे डबल इक्वल्स है, डबल इक्वल्स से कंपेयर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे a इक्वल टू 2 लिखे, जब सिंगल इक्वल टू देंगे तो वैल्यू असाइन करेगा, b इक्वल टू 2, 2 b में चला गया, 2 a में चला गया। अब यहाँ पे a और b को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब डबल इक्वल टू लगाए, जब डबल इक्वल टू लगाए तो दोनों वैल्यू को कंपेयर करेगा। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b कंपेयर कर रहा है, इज नॉट, यहाँ पे a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 4 है, तो प्रोग्रामिंग के टर्म में ये चेक करेगा a इज नॉट इक्वल टू b। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर एंड और इज नॉट आता है। यहाँ पे एंड ऑपरेटर, इफ बोथ कंडीशन ट्रू देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम एक एप्लीकेशन बनाए, एक एप्लीकेशन में लॉगिन फॉर्म में आप यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर रहे हैं, जब यूजर नेम और पासवर्ड आपका सही होगा तो ही आपको होम पेज में जाने देगा। मतलब वहां पे कंडीशन दोनों सही होना चाहिए, यूजर नेम भी और पासवर्ड भी। तो वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड के बीच में एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। और ऑपरेटर से क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप लॉगिन कर रहे हैं उसमें आप अगर यूजर नेम सही डाले, पासवर्ड गलत डाले तो भी लॉगिन हो जाए, अगर यूजर नेम सही डाले पासवर्ड रॉन्ग डाले लॉगिन हो जाए। तो मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई एक भी अगर सही हो जाता है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, तो उस केस में हम लोग और ऑपरेटर का यूज करेंगे, नॉट ऑपरेटर। कंडीशनल और ब्रांच स्टेटमेंट के अंदर सिंपल इफ सिंगल सिलेक्शन आता है, इफ एल्स टू वे सिलेक्शन, एल्स इफ लीडर मल्टी वे सिलेक्शन और स्विच केस आता है। हर एक टॉपिक को हम डिटेल में यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले द इफ स्टेटमेंट वन वे सिलेक्शन डिसीजन, एंड इफ स्टेटमेंट इज ए सिंगल सिलेक्शन और डिसीजन स्टेटमेंट, इट यूज When we have only one alternative. Syntax इसका कुछ इस तरह से होगा, if expression अगर ये condition true होगा तो statement को आपके execute करेगा, the statement are executed if the condition is true. इसको हम लोग एक प्रोग्राम से समझते हैं। मान लीजिए दो नंबर के बीच में greater number print करना है, तो HTML के अंदर body के अंदर हम लोग PHP start किए, यहाँ पे a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 3 लिए, एक वेरिएबल हम लोग बिग लिए, यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया। अब यहाँ पे a का वैल्यू बिग में हम लोग स्टोर कर रहे हैं,
तो ए का वैल्यू 5 चला गया बिग में। और फिर कंपेयर कर रहे हैं कि इफ डॉलर बी मतलब 8 ग्रेटर देन बिग, हाँ है, तो फिर कंडीशन ये ट्रू हो रहा है। अंदर जाकर के डॉलर बी का जो वैल्यू 8 है वो बिग को दे दिया और फिर इको बिग को प्रिंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे 8 प्रिंट किया, फिर पीएचपी क्लोज, बॉडी क्लोज और एचटीएमएल क्लोज। यहाँ पे ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 3 लिए, एक बिग हम लोग वेरिएबल लिए। अब डॉलर ए का वैल्यू बिग में स्टोर करा दिए, 5 चला गया बिग में। अब यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि डॉलर बी जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन है बिग से, अगर है तो बी का वैल्यू जो है उसको बिग को दे दो और फिर इको प्रिंट करो। यहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ, इसको हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे और एग्जाम्पल कुछ लेके। दूसरा है द इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज ए सिंपल सिलेक्शन डिसीजन स्टेटमेंट दैट इज यूज व्हेन वी मस्ट चूज बिटवीन टू अल्टरनेटिव, सो इट इज कॉल्ड टू वे डिसीजन स्टेटमेंट। एग्जाम्पल इफ एक्सप्रेशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो एल्स में जाके ये वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे कंडीशन या तो ट्रू या तो फॉल्स होगा, अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और एंड करेगा। मान लीजिए ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो एल्स में जाएगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके एंड करेगा। ये फ्लो चार्ट का एक हम लोग प्रोग्राम के हेल्प से समझते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर्स, इसका कोडिंग कुछ इस तरह से होगा। पीएचपी यहाँ पे स्टार्ट किए, मान लीजिए एक वेरिएबल हम लोग ए लिए उसमें सी स्टोर किए, दूसरा वेरिएबल बी लिए जिसमें 4 स्टोर किए, ए और बी चला गया, 6 और 4 स्टोर हुआ। यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ डॉलर ए ग्रेटर देन डॉलर बी, 6 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इको ए इज ग्रेटर नंबर प्रिंट करेगा। अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होता, मतलब ए का वैल्यू 4 रहता और बी का वैल्यू 6 होता, तो एल्स में आके बी इज ग्रेटर नंबर प्रिंट करता, पीएचपी क्लोज, बॉडी क्लोज और एचटीएमएल क्लोज। अब यहां पे एल्स इफ लीडर स्टेटमेंट का हम डिस्कस कर रहे हैं। An else if leader is a special case of nested if statement where nesting take place only in the else part. When an action has to be selected based on range of the value, then this statement is used. इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। If condition true, then statement को प्रिंट करेगा। Else if, और लास्ट में else. If, फिर else. मतलब जब नंबर ऑफ कंडीशन ज्यादा रहे तो हम लोग लीडर else if का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए सबसे पहला जो कंडीशन आया else if का, उसमें दो आदमी के बीच में हम लोग कंपेयर कर रहे थे, मान लीजिए मेरा एज और आपके एज में से कौन बड़ा है, तो अपना एज को लिए और आपके साथ कंपेयर किए, अगर हम बड़ा हो गए आपसे तो हम बड़ा हैं, अदरवाइज आप बड़ा हो गए, इफ else वहां पे आ रहा था। अब मान लीजिए यहाँ पे तीन चार आदमी है, और तीन चार मतलब चार आदमी है, चार आदमी के बीच में हम लोग को कंपेयर करना है कि बड़ा कौन है, तो यहाँ पे एल्सिप आएगा, मतलब हम पहले अपना एज को आपके एज के साथ कंपेयर करेंगे, अगर हम बड़ा हुए आपसे तो फिर दूसरा आदमी से भी कंपेयर करेंगे, फिर तीसरा आदमी से भी कंपेयर करेंगे, फिर चौथा आदमी से भी कंपेयर करेंगे। अगर हम बड़ा हो गए तो ठीक है, अगर किसी एक से भी छोटा हो गए तो फिर एल्स इफ आप चेक कीजिएगा, फिर एल्स इफ वो चेक करेगा। इस तरह का कंडीशन हम लोग एल्स इफ के अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं। इसमें सिंटैक्स फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होगा। एक स्टेटमेंट कंडीशन या तो ट्रू या तो फॉल्स होगा, अगर ट्रू हुआ तो फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके एंड करेगा, अगर मान लीजिए फॉल्स हो गया तो फिर से कंडीशन यहाँ पे आएगा, कंडीशन या तो ट्रू या तो फॉल्स होगा, अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन अगर ट्रू हुआ
तो फिर स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो फिर से कंडीशन, इस तरह से एल्सिफ हम लोग लगाएंगे और लास्ट में फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और प्रोग्राम के हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन कुछ ग्रेडिंग बेस्ड मतलब मार्क्स निकालना है, एक ऐसा हम लोग को एप्लीकेशन बनाना है मान लीजिए पीएचपी में जो कि मार्क्स के हिसाब से ग्रेड दे, तो वहाँ पे उस एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग को यही इलसेफ का यूज करना होगा। तो यहाँ पे मार्क्स है मोर देन और इक्वल टू 90% तो ओ ग्रेड दे, अगर 80 और 89 के बीच में रहे तो ए, अगर 70 और 79 के बीच में रहे तो बी, अगर 60 और 69 के बीच में रहे, अगर 50 और 59 के बीच में रहे तो डी ग्रेड, अगर 40 और 49 के बीच में रहे तो ई ग्रेड, एल्स फेल ग्रेड दे। अगर इस तरह का एक प्रोग्राम बनाना हो तो पीएचपी में हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। पीएचपी स्टार्ट किया, मार्क्स हम लोग मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90 मतलब वही कंडीशन यहाँ पे सेट कर देना है तो ये प्रिंट करे, अदरवाइज मार्क्स ग्रेटर देन 80 बट लेस देन 89 तो ए, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 70 बट लेस देन 80 देन बी, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 60 लेस देन 70 देन सी, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 70 देन डी, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 बट लेस देन 50 देन ई, एल्स फेल प्रिंट करे। तो इसका कोडिंग कुछ ऐसा हुआ। हम लोग प्रैक्टिकल में अब आगे समझते हैं और प्रोग्राम। स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ अस टू चूज ओनली वन चॉइस अमंग द मेनी गिवन चॉइस। इट इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट यूज टू मेक ए सिलेक्शन बिटवीन मेनी अल्टरनेटिव। हम लोग को जब मोर देन वन सिलेक्शन के बीच में किसी एक को सिलेक्शन करना होता है तो फिर हम लोग वहाँ पे स्विच केस का यूज करेंगे। यहाँ पे इसका कुछ सिंटेक्स ऐसा होगा, स्विच के बीच में चॉइस जाएगा, केस वैल्यू, अगर ये केस ट्रू होगा तो फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक यहाँ से करेगा। ब्रेक एक कीवर्ड है जिसको जिसका कि यूज स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। अगर केस ट्रू रहे तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा फिर यहाँ से निकलेगा, और अगर कोई भी केस यहाँ पे ट्रू नहीं हुआ तो डिफॉल्ट में जाके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एक प्रोग्राम के हेल्प से समझते हैं, अगर प्रेस वन करेंगे तो वो ओ एन ई वन प्रिंट करे, अगर टू करेंगे तो फिर टू, और थ्री करेंगे तो थ्री। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू हम एक वेरिएबल में इनिशियलाइज कर लिए हैं वन, यहाँ पे एक हम लोग डॉलर सी एच वेरिएबल लिए उसमें थ्री स्टोर किए और यहाँ पे सी एच को पास कर रहे हैं, सी एच पास हो रहा है, केस अगर वन हुआ तो ये स्टेटमेंट ओ एन ई वन प्रिंट करेगा, अगर केस वन ट्रू नहीं हुआ तो केस टू में आएगा और यहाँ फिर कंपेयर करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो टी डब्ल्यू ओ टू प्रिंट करेगा, अगर केस थ्री में आएगा तो फिर टी एच आर डबल ई प्रिंट करेगा, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो डिफॉल्ट में जाके ओनली प्रेस वन टू थ्री। यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू इंटर नहीं कर रहे हैं कीबोर्ड से इसलिए थ्री किए हैं तो टी एच आर डबल ई प्रिंट करेगा। अब हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं सभी का एक एक करके। अब हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, तो सबसे पहले जैम्प स्टार्ट कीजिएगा, जितना बार सिस्टम आपका रिस्टार्ट होगा मीन्स स्टार्ट कीजिएगा उतना बार आपको जैम्प सर्वर को स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम अपाची टॉमकैट सर्वर स्टार्ट किए, अब एडोब ड्रीमवीवर स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, ये ओपन हुआ। अब यहाँ पे फाइल में जाएं, न्यू पे क्लिक करें, एक पीएचपी पेज लेते हैं, पीएचपी पेज आ गया। अब इस पीएचपी पेज में जो भी प्री डिफाइंड कोड्स है उस सारे को हटा देते हैं, कंट्रोल एस या नहीं तो फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करें। आप सी ड्राइव में जाके जैम्प फोल्डर एक जो क्रिएट किया हुआ है जब हम लोग जैम्प सर्वर इंस्टॉल किए होंगे उस समय, वहां पे जाके एच टी डॉक में जाएं, यहाँ पे एक हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जैम्प फोल्डर के अंदर एच डी डॉक के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं कंडीशनल कंडीशन, इसके अंदर जाके
इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं, इस पेज को होम। यहाँ पे एक्सटेंशन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग फाइल में जाके न्यू पीएचपी पेज सेलेक्ट किए हुए हैं। सेव पे क्लिक करें। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं, HTML क्लोज, इसके अंदर बॉडी हेड टाइटल आप लिख सकते हैं। बॉडी के अंदर हम यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं HTML पेज में, H1 कंडीशनल स्टेटमेंट। कंट्रोल S से सेव कर दें, ब्राउजर ओपन करें, लोकल होस्ट पे क्लिक, यहाँ पे ब्राउजर ओपन करके लोकल होस्ट लिखें। उसके बाद यहाँ पे फोल्डर हम लोग का है कंडीशन, कंडीशन पे जाके कंडीशनल स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे प्रिंट किया जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे PHP ओपन करते हैं, PHP क्लोज किए, एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे $n लेते हैं, इसमें कोई वैल्यू 5 स्टोर करवाए, और एक वेरिएबल हम लोग b लेते हैं जिसमें 3 स्टोर करवाए। अब प्रोग्राम के हेल्प से चेक करना है बड़ा कौन है, तो इसके लिए इफ $n greater than $b, तो फिर ओपनिंग करने ब्रेसेस, क्लोजिंग करने ब्रेसेस इको, या तो आप वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं या तो मैसेज दे सकते हैं। चलिए बेटर होगा ए और बी लेते हैं, ए एंड बी, हालांकि कोई फर्क नहीं है, वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैसेज हम $a को प्रिंट करवाए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ठीक, नहीं तो फिर एल्स में जाके प्रिंट करे $b। पेज को रिफ्रेश करें एक बार, देखिए 5 प्रिंट किया क्योंकि हम लोग वैल्यू 5 और 3 दिए थे, तो ग्रेटर 5 है। अब इसको सिंबल चेंज कर दें, लेस देन का कंडीशन लगा दें, तो फिर 3 प्रिंट करेगा, देखिए 3 प्रिंट किया। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करने के लिए Ctrl+U प्रेस किए, कोड व्यू का साइज 24 कर दिए, अप्लाई, फॉन्ट बड़ा हो गया। अब दूसरा प्रोग्राम है कि एक नंबर है उसको चेक करना है इवेन है या ऑड है, तो यहाँ पे हम लोग $a मॉडुलस 2 करेंगे, इक्वल टू अगर 0 होगा तो वो नंबर इवेन होगा, तो यहाँ पे मैसेज दीजिए डबल कोट्स में, एक स्ट्रिंग मैसेज दे रहे हैं हम लोग कि इंटर नंबर आर इवेन, तो फिर डबल कोट्स में इवेन नंबर, एल्स में जाके डबल कोट के अंदर ऑड नंबर, या तो ये कंडीशन ट्रू होगा या नहीं तो फिर ए कंडीशन ट्रू होगा। अगर ए मींस 5 मॉडुलस 2 करेंगे तो मॉडुलस ऑपरेटर से क्या होता है, रिमाइंडर स्टोर करता है, मॉडुलस ऑपरेटर से रिमाइंडर स्टोर करता है। तो यहाँ पे ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि 5 को मॉडुलस करेंगे 2 से रिमाइंडर 1 आएगा, इसलिए ये एल्स में जाके ऑड प्रिंट करेगा। कंट्रोल एस से सेव करें और फिर पेज को रिफ्रेश करें, देखिए ऑड यहाँ पे प्रिंट किया। अब यहाँ पे 2 नंबर इंटर करना है और इंटर नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी इंटर फंक्शन में करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर इनिशलाइज करना है और उसको चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे $1 हम लोग पासवर्ड लेते हैं, पी इक्वल टू, इसमें वैल्यू असाइन एडमिन हम लोग करते हैं, ठीक है, इसमें वैल्यू क्या हो गया एडमिन। अब यहाँ पे एक यूजर नेम है, पहले पासवर्ड को चेक करते हैं, तो इफ $p इक्वल टू एडमिन अगर है तो यहाँ पे मैसेज दे
इको गो टू होम पेज। अगर आप पासवर्ड सही डाले हैं, मतलब एडमिन हम यहां पे प्रीडिफाइन कर दिए कि एडमिन है पी में अगर, तो फिर गो टू होम पेज, एल्स मैसेज दे इको इनवैलिड पासवर्ड। इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे बोला गो टू होम पेज, लाइन को ब्रेक यहाँ पे कर देते हैं। पिछला क्लास में बताए थे बीआर से लाइन ब्रेक होता है, डबल कोट्स में रखेंगे। यहाँ मैसेज दिया गो टू होम पेज। अब मान लीजिए यहाँ पे एडमिन इनिशियलाइज किए हुए हैं पी में और यहाँ पे ए डी एम आई दे देते हैं, तो क्या होगा? तो फिर ये इनवैलिड पासवर्ड बोलेगा, मतलब प्लीज इंटर ये वैलिड पासवर्ड मैसेज देगा। अब यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का कंसेप्ट आपको कुछ दे रहे हैं। देखिए समझिए, यहाँ पे ए डी एम आई एन यूजर नेम और पासवर्ड है। अब है कि पासवर्ड एडमिन है और यूजर नेम डॉलर यू इक्वल टू डबल कोट्स में राज दिए। अगर दोनों सही है, मीन्स एडमिन और राज अगर दोनों सही डाला तो फिर जाए होम पेज में, अदरवाइज मीन्स मैसेज दे गो टू होम पेज, अदरवाइज इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड मैसेज दे इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग को एक पैरेंथेसिस यहाँ पे ओपन करते हैं हम लोग और फिर इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाते हैं, एंड ऑपरेटर। एंड में क्या देंगे कि अगर डॉलर यू इक्वल टू राज, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो, मीन्स यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो गो टू होम पेज, एल्स इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे एडमिन में एडमिन डाले हैं और यूजर नेम में राज डाले हैं, तो दोनों केस यहाँ पे ट्रू है, तो मैसेज देना चाहिए गो टू होम पेज। देखिए यहाँ पे मैसेज दे रहा है गो टू होम पेज। अब यहाँ पे मैसेज दे रहा है गो टू होम पेज, गो टू होम पेज। अब यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं, मीन्स यूजर नेम हम रॉन्ग कर दे रहे हैं, आर ए कर दिए और पासवर्ड सही डालें। अब कंट्रोल एस से सेव किए, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे बोला इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ये और ये, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और दोनों में से कोई एक अगर सही है तो स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करे, तो उसके लिए हम लोग को और ऑपरेटर लगाना होगा, इंटर के ऊपर में किया है, देखिए और ऑपरेटर लगाना होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे मैसेज देगा गो टू होम पेज, क्योंकि इसमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे पासवर्ड ट्रू है तो मैसेज दिया गो टू होम पेज। तो और में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हमको उम्मीद है आपको एंड और ऑपरेटर का समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग आगे देखते हैं, अगर मोर देन वन एल्स इफ रहे तो क्या करें। यहाँ पे हम लोग का अभी दो नंबर था तो हम लोग इस तरह से कुछ कर रहे थे, मीन्स कंडीशन यहाँ पे था ये नहीं तो ये। अब है एक वैल्यू हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे डॉलर एन या डॉलर ए इक्वल टू वन, फिर डॉलर बी इक्वल टू टू और फिर डॉलर सी इक्वल टू थ्री करते हैं। अब यहाँ पे तीनों में से कौन बड़ा है वो प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड
एंड साथ साथ में ए ग्रेटर देन सी, अगर ए ग्रेटर देन है बी से एंड ए ग्रेटर देन है सी से, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे मैसेज दे कि इको ए इज ग्रेटर नंबर, ए इज ग्रेटर नंबर मैसेज दिया। else if यहां पे लगेगा b greater than a, अब a अगर ये वाला कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो फिर b को चेक करना पड़ेगा, तो b greater than a एंड साथ साथ में b greater than c, अगर ये रहे तो फिर मैसेज दे इको b is greater number, else echo c is greater number या greatest number। तो यहां पे a का वैल्यू 1 है फिर 2 और 3, तो मैसेज देना चाहिए c is greatest number। इसको रन कराते हैं, मैसेज दिया c इज ग्रेटर नंबर, इसको हम लोग यहां पे ब्रेक लाइन कर देते हैं, इको डबल कोट्स में br क्लोज, इस तरह से कुछ मैसेज दिया। इस तरह से आप else if जितना चाहें लगा सकते हैं, मान लीजिए यहीं पे अगर 4 नंबर होता डॉलर c डॉलर d एक हो जाता 4, तो फिर यहां पे a greater than b a greater than c and ऑपरेटर लगता यहां पे एंड डॉलर a greater than d, ये हो गया। अब b को a से और फिर c से और फिर d से भी करना होता, b greater than डॉलर डी, इस तरह से आप मोर देन वन नंबर को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं। यहाँ पे एक else if बढ़ जाता, else if क्या होता कि डॉलर सी ग्रेटर देन डॉलर ए एंड ऑपरेटर साथ साथ में डॉलर सी ग्रेटर देन डॉलर बी एंड साथ साथ में एन डी, अगर ये रहे तो फिर स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करे कि c इज ग्रेटर नंबर और फिर अगर ये नहीं तो फिर अंदर जाके d इज ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करे। तो यहाँ पे d मीन्स का वैल्यू 4 है तो d होना चाहिए इज ग्रेटर नंबर्स। तो इस तरह से आप else if लगा सकते हैं और else if का यूज करेंगे हम लोग आगे डेवलपमेंट में, यहां पे कंसेप्ट हम लोग सिर्फ दे रहे हैं। अब दूसरा है स्विच केस, अब दूसरा फाइल हम लोग एक लेते हैं, इसको सेव कर दिए, न्यू में पीएचपी पे क्लिक किए, सारे को हटा देते हैं, कंट्रोल एस, जेम फोल्डर के अंदर डॉक सी एस के अंदर कंडीशनल के अंदर एक हम लोग होम टू डॉट पी एच पी ऑटोमेटिक ले लेगा, होम टू से इसको सेव किए। अब यहां पे हम लोग पी एच पी एच टी एम एल स्टार्ट कर रहे हैं, एच टी एम एल के अंदर बॉडी के अंदर एक यहाँ पे H1 के अंदर हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं स्विच केस। अब यहाँ पे एक हम लोग PHP ओपन करते हैं, PHP फिर PHP क्लोज किए,
यहाँ पे एक डॉलर n इक्वल टू हम लोग 2 लेते हैं, वैल्यू इनिशलाइज किए, n को स्विच में पास कराते हैं, स्विच डॉलर n, अब इसके अंदर आके केस 1 अगर रहे तो इको इको डॉलर के डबल कोट्स के अंदर ओ एन ई 1 प्रिंट करे और यहां से ब्रेक करे ब्रेक, या नहीं तो केस 2 इको डबल कोट्स के अंदर 2 रहे और ब्रेक प्रिंट करे, सॉरी ब्रेक हो जाए, फिर केस 3 तो फिर इको टी एच आर डबल ई 3 प्रिंट करे और ब्रेक, नहीं तो डिफॉल्ट में जाके, यहां पे देखिए डिफॉल्ट का कुछ काम नहीं है क्योंकि हम लोग वैल्यू कीबोर्ड से इंटर नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू हम लोग डिक्लेयर इनिशियलाइज कर दिए हैं, लेकिन सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जब आप वैल्यू इंटर करेंगे फंक्शन में हम लोग, तो फिर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैसेज देगा प्लीज प्लीज प्रेस ओनली 1 2 3, यहाँ पे देखिए कुछ प्रेस नहीं कर रहे हम लोग, वैल्यू यहाँ पे 2 हम लोग इनिशियलाइज कर दिए हैं, तो ये भी मैसेज दे सकते हैं प्लीज इंटर एन इक्वल टू प्लीज इंटर एन इक्वल्स टू ओनली 1 2 3, मीन्स एन का वैल्यू आप 1 2 3 ही इनिशियलाइज करें क्योंकि यहाँ पे केस 3 तक है, यहाँ पे पीएचपी क्लोज इसको हम लोग सेव किए। अब यहाँ पे जाके कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर होम टू, यहाँ पे कंडीशन स्लैश होम टू डॉट पीएचपी के अंदर देखिए स्विच केस टी डब्ल्यू ओ 2 प्रिंट किया क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज किए हुए हैं एन का वैल्यू 2। अब देखिए अगर एन का वैल्यू हम लोग 3 करते हैं यहाँ पे तो टी एच आर डबल ई 3 आउटपुट देगा, यहाँ पे 3 दिया। अब देखिए अगर n का वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं मान लीजिए 31 या 32 कुछ भी जो कि केस में नहीं है, अगर केस में नहीं मिलेगा तो फिर डिफॉल्ट में जाके ये मैसेज को प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे डिफॉल्ट में गया और प्लीज इंटर वन एन इक्वल टू ओनली 1 2 3 मैसेज दिया। तो स्विच केस का आगे हम लोग डेवलपमेंट में यूज करेंगे, ये कंसेप्ट है यहाँ पे। एक तरह से आप यहाँ पे फिर से कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हैं, मान लीजिए एन लूप, एक हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर बना रहे हैं, मीन्स एक वेरिएबल ए लिए, ए इक्वल टू 5 इनिशियलाइज किए और फिर यहाँ पे बी इक्वल टू 5 और एन इक्वल ए इक्वल टू डॉलर ए इक्वल टू 3 किए। अब हम चाहते हैं कि अगर 1 प्रेस करे, मीन्स अगर एन का वैल्यू डॉलर एन का वैल्यू अगर 1 रहे तो फिर दोनों नंबर का सम करें, अगर यहाँ पे n का वैल्यू 2 इंटर किए हैं तो सब्ट्रैक्शन करें, अगर n का वैल्यू 3 इनिशियलाइज करेंगे तो फिर मल्टीप्लीकेशन करें। तो इसके लिए यहाँ पे कोडिंग कुछ ऐसा होगा, n का वैल्यू यहाँ पे चॉइस पास करेगा, केस अगर 1 आएगा तो फिर यहाँ पे क्या करें, c इक्वल टू डॉलर c इक्वल टू डॉलर a प्लस डॉलर b, मतलब पहले केस में सम चाहते हैं फिर यहाँ पे डॉलर सी को प्रिंट करे सम को, केस 2 में सब्ट्रैक्शन चाहते हैं तो फिर डॉलर सी इक्वल टू डॉलर ए माइनस डॉलर बी, सब्ट्रैक्शन किया और फिर यहां पे डॉलर सी को प्रिंट करे और फिर अंदर आके डॉलर सी प्रिंट करे और फिर बाहर ब्रेक आ जाए और थर्ड नंबर में है मल्टीप्लीकेशन, तो डॉलर सी इक्वल टू डॉलर ए इंटू डॉलर बी, मल्टीप्लीकेशन किया और बाहर जाके डॉलर सी प्रिंट किया और बाहर आ जाए, यहाँ पे प्लीज इंटर एन इक्वल टू ओनली 1 2 3 मैसेज रहने दीजिए, यहाँ पे एन का वैल्यू हम लोग इंटर किए हुए हैं इनिशियलाइज किए हुए हैं 3, तो यहाँ पे 5 और 3 मल्टीप्लीकेशन करे तो 5 इंटू 3 15 आंसर देना चाहिए। देखते हैं इसको, पेज को रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पे 15 आंसर आया। अगर n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 करते हैं तो फिर
यहाँ पे n का वैल्यू -2 आया, सॉरी c का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी कर रहा है, 5 3 माइनस 5 कर रहा है, -2 आया। अब यहाँ पे अगर n का वैल्यू हम लोग 1 करेंगे तो फिर दोनों नंबर का सम करेगा, 5 प्लस 3 8 किया। अब अगर n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 5 कर दिए तो फिर केस 1 केस 2 केस 3 में नहीं जाएगा, डिफॉल्ट में जाके मैसेज दिया प्लीज इंटर n इक्वल टू ओनली 1 2 3। तो स्विच केस का कंसेप्ट ये है। आप और भी प्रोग्राम इसके हेल्प से बना सकते हैं, ऐसे आगे हम लोग डेवलपमेंट में तो यूज करेंगे ही स्विच केस का।